वेलकम टू बैक माई चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा ऐसे कि आप न्यू मिस्त्री और मोल्डिंग करते हो, मोल्डिंग पॉलिश यानी ग्रेनाइट पे मिरर पॉलिश करते हो, ग्रेनाइट की पॉलिश करते हो, आप बिल्कुल ही न्यू मिस्त्री हो, आप सीखना चाहते हो कि भाई यहाँ पे ऐसे कि ग्रेनाइट की पॉलिश मोल्डिंग कैसे की जाती है, यानी कि ब्रास लगा के, वाइट वाला ब्रास लगा के ग्रेनाइट की पॉलिश कैसे करें। जब आप पॉलिश करते होंगे तो ये भाई काला हो जाता होगा, इसको मतलब वाइट कैसे करते हैं और इसकी पॉलिश कैसे करते हैं, तो बिल्कुल ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यहाँ पे 4 ब्लेड से ब्रास वाला जो हमारा मोल्डिंग पट्टी है उसका हम मोल्डिंग करके, मतलब मोल्डिंग हमने कर लिया है, उसके बाद ग्रेनाइट मिरर पॉलिश कैसे की जाती है पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसमें लगा लिया 0 नंबर ब्लेड। तो जो कि देखिए दोस्तों ग्राइंडर में मेरा लगा हुआ है 0 नंबर ब्लेड। 0 नंबर के बाद में है ना दोस्तों मैं यहाँ पे 3 नंबर चलाऊंगा, 3 नंबर के बाद में 5 नंबर चलाऊंगा, 5 नंबर के बाद में 6 नंबर चलाऊंगा। दोस्तों इसका सबका काम अलग अलग होता है दोस्तों, आप बस वीडियो को पूरा देखते रहना जिससे कि आपकी फुल समझ में आ सके। अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि किस तरीके से आप ब्रास लगा के, वाइट वाला ब्रास या तिरंगा वाला ब्रास, कोई भी डिजाइन वाला ब्रास, जैसे कि यहाँ पे ये वाइट ब्रास लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे ये वाइट वाला ब्रास लगा हुआ है, तो इसका मतलब अब जब आप ग्रेनाइट पॉलिश करोगे, इस पे पैड चलाओगे, तो ये हमारा वाइट है तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक को वाइट कैसे किया जाता है, तो आप बहुत कंफ्यूजन होता होगा आपके दिमाग में कि भाई कैसे की काम करते हैं, कैसे मोल्डिंग बनाई जाती है, कैसे यहाँ पे ग्रेनाइट की मिरर पॉलिश करते हैं, कैसे ग्रेनाइट पॉलिश की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पैड चलाना है, कि पैड का काम कब खत्म होता है, कब आपको पैड हटाना है, कब दूसरा पैड लगाना है, तो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ दोस्तों, A to Z पूरा आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो को आप पूरा देखते रहना, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही ऑल वाला बटन जरूर दबाना दोस्तों, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे काम से रिलेटेड ग्रेनाइट टाइल्स कोटा स्टोन जीना पिटिंग बहुत सारे काम की वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों तो लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहना पूरा फुल दोस्तों। आप अगर वीडियो फुल देखोगे तो आपको ही फायदा है और आप दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अपना टाइम गवाए आपका मैं यहाँ पे सिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे ग्रेनाइट पॉलिश की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाइट ब्राइट ब्रास इसमें लगा हुआ है, वाइट का यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक को वाइट कैसे करते हैं पूरा टोटल आपको यहाँ पे सिखाऊंगा दोस्तों। आप 1 नंबर यहाँ पे मिरर पॉलिश निकल के आएगा। तो दोस्तों ये ब्लेड को मैं यहाँ पे पैड को नीचे रख देता हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ इस पे, जैसे मोल्डिंग की हुई है, मोल्डिंग आप कर लेना, नहीं जानते हो तो वीडियो देख लेना दोस्तों, वीडियो अपलोड है। तो दोस्तों चलो यहाँ पे 0 नंबर सबसे पहले चलाई जाएगी, और आपको यहाँ पे दोस्तों 4 ब्लेड, आप चाहो तो 3 ब्लेड से भी यहाँ पे ग्रेनाइट पॉलिश कर सकते हो, अगर आपके ब्रास लगा हुआ है तो दोस्तों। एक आप 120 नंबर बट्टी ले लेना जिससे ये ब्रास मतलब वाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब सिखाने वाला हूँ। आप बिल्कुल न्यू मिस्त्री हो, कुछ भी नहीं जानते हो, इस वीडियो को देख के पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 नंबर चलाऊंगा, आपको भी 0 नंबर चलाना है मोल्डिंग करने के बाद।
और दोस्तों देखिएगा, जैसा कि हमने जीरो नंबर पैड इस पे चलाया, जीरो नंबर पैड क्या काम करता है वो भी आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता रहूंगा कि मतलब पैड चलाने के बाद में ये पैड कौन सा काम करता है, ये पैड क्या काम करता है। तो दोस्तों जीरो नंबर पैड जिसलिए चलाते हैं, जैसा कि हम मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग करते समय हमारा जो कटर ब्लेड होता है, कटर ब्लेड से इस पे स्केच रह जाते हैं, स्केच को मिटाने का काम जीरो नंबर ब्लेड करता है। जैसा कि आपको पैड कब तक चलाना है दोस्तों, जब तक आपको पैड चलाना, जब तक आपके मतलब जो भी आप ग्रेनाइट का स्टेप का मोल्डिंग या कोई भी मोल्डिंग ग्रेनाइट मिरर पॉलिश कर रहे हो, तो उस पर पैड आपको जब तक ही चलाना है जब तक आपके पैड का पूरा काम नहीं हो जाता। जैसा कि हमारा यहाँ पे देखिए, ये इस ग्रेनाइट को हमने जब तक इस पर पैड चलाया, जब तक देखो इस पर स्केच नहीं मतलब मिट रहे, स्केच इसके सारे हमने जीरो नंबर पैड से मिटा दिए हैं। और जीरो नंबर के बाद में दोस्तों हम चलाएंगे इस पर तीन नंबर पैड। तो दोस्तों यहाँ पे अब तीन नंबर पैड चलाने वाले हैं। तीन नंबर पैड क्या काम करता है, जैसा कि थोड़ी बहुत इस पर स्केच और रह जाते हैं तो उनको ये रिमूव कर देता है और इस पर थोड़ी सी चमक ला देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीन नंबर पैड चलाएंगे, दोस्तों हमने इसमें लगा लिया तीन नंबर पैड। तीन नंबर पैड अब इस पर चलाएंगे जीरो नंबर चलाने के बाद। दोस्तों एक बात और, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना, मास्क लगा के, यानी कि जो हमारी धूल मिट्टी उड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर पैड चलाने के बाद में हमारा जो जीरो नंबर से थोड़ा बहुत स्केच रह गए थे तो वो बिल्कुल रिन्यू कर दिया। रिन्यू करने के बाद में इस पर थोड़ी सी चमक भी ला दिया। चमक लाने के बाद अब दोस्तों एक बात और आपको बताना भूल गया, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राइंडर चलाओगे ना, तो ग्राइंडर आपको ऐसा नहीं कि यहीं पे रख के चलाना है, ऐसे नहीं चलाना है आपको, थोड़ी जगह पर नहीं चलाना है आपको, लंबा खींच के ग्राइंडर चलाना है। जिससे क्या होगा कि मतलब आपका जो आप ग्रेनाइट पॉलिश करोगे तो उसमें मतलब गाय नहीं बनेंगे, यानी गड्ढे नहीं बनेंगे। अगर आप एक ही जगह चलाओगे, कम दूरी में ग्राइंडर चलाओगे, तो आपका मतलब यहाँ पे जो ग्रेनाइट पत्थर आप जो पॉलिश करोगे तो वो बिल्कुल ही आपका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ग्राइंडर हमेशा लंबा खींच के ही चलाना है। चलिए दोस्तों अब इसमें मैं लगाता हूँ पाँच नंबर पैड। पाँच नंबर हमारा मतलब ग्रेनाइट पॉलिश का रहता है, उससे भी ग्रेनाइट पॉलिश हो जाती है, लेकिन इसमें मैं छः नंबर पैड और चलाऊँगा तो आपको पूरा सिखाऊंगा, जिससे कि आपका काम भी ना बिगड़े। आप अगर बिल्कुल न्यू मिस्त्री और आपका काम बढ़िया, तो यहाँ पे दोस्तों ये मैंने लगा लिया पाँच नंबर पैड। अब पाँच नंबर पैड हमारा यहाँ पे ग्रेनाइट पॉलिश का काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको सिखाते हैं ग्राइंडर आपको कैसा चलाना चाहिए, ग्राइंडर हमेशा आपको किस तरीके से चलाना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। Thank you.
देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर पैड चलाने के बाद में हमारा ग्रेनाइट पॉलिश यहाँ पे हो चुका है, लेकिन इस पे मैं ग्रेनाइट पैड और चलाऊंगा जिससे इसकी शाइनिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसका लुक और बढ़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे इसमें ब्रास लगा हुआ है, ब्रास हमारा ब्लैक हो गया है, ब्लैक का वाइट कैसे करना है, तो सारा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। आप न्यू मिस्त्री तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ग्रेनाइट पैड को 6 नंबर इस पर पैड से लगाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 नंबर पैड लगा लिया ग्रेनाइट पॉलिश। ग्रेनाइट पॉलिश इसी से होती है, यहाँ पे बिल्कुल आपकी शाइनिंग और बढ़ जाएगी। आप न्यू मिस्त्री हो तो आप ये पैड जरूर चलाएं, और आप फुल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और चलते हैं दोस्तों, हम आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 6 नंबर पैड ग्रेनाइट पॉलिश पैड यहाँ पे चलाने के बाद में इसकी शाइनिंग कितनी बढ़ गई है, इसका लुक और भी बढ़ गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे वाइट ब्रास है तो इन्होंने ये ब्लैक क्यों कर दिया। तो दोस्तों, ये अपर जैसे आप ब्लैक यहाँ पे ग्रेनाइट की पॉलिश करोगे तो आपको यहाँ पे ये ब्रास है तो ये मतलब आपका वाइट है तो ब्लैक ही होगा। ब्लैक को वाइट कैसे किया जाता है, इसके लिए दोस्तों आपको चलाना है 120 नंबर बट्टी यहाँ पे लगा के, और इस पर थोड़ा आपको मतलब चलाना है, ज़्यादा जमा के नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा चलाना है, जिससे क्या होगा ये हमारा ब्रास है तो ये वाइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 120 नंबर बट्टी यहाँ पे लगा के, और इसको गद्दी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसको वाइट करने वाले हैं, अभी ये ब्लैक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेनाइट मिरर पॉलिश, हमारा ग्रेनाइट पॉलिश यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों। अब आपको इस तरीके से अगर आप ग्रेनाइट पॉलिश करते हो तो दोस्तों आपका एक नंबर काम होगा। और दोस्तों, इस पर थोड़ा मतलब इसका प्लास्टिक वगैरह आ जाता तो वो उसकी आप टेंशन मत करिएगा, वो बिल्कुल छूट जाएगा। अब ये देखिए हमारा ग्रेनाइट पॉलिश कितने मतलब शाइनिंग यहाँ पे दे रहा है दोस्तों। इस तरीके से ग्रेनाइट की पॉलिश की जाती है दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया कि मतलब ग्रेनाइट का पॉलिश कैसे की जाती है, आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।